हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 3.4 व्हिच इज बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिनको नहीं पता है तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दी है, उसके एग्जांपल्स भी अपलोड कर दिए हैं, पहले जाकर आप वो देख लीजिए। और जिन्होंने वीडियो देख ली है, आ जाइए करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से आपको करने हैं। तो जैसे कि मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी ले रखा है, पहले मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूंगा, फिर इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा। तो देखिए इधर, अगर मैं इसकी बात करूं तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप x के कोफिशियंट को सेम कर लें या आप y के कोफिशियंट को सेम कर लें। देखिए मैं y के कोफिशियंट को सेम करने वाला हूं। क्यों करने वाला हूं? क्योंकि देखिए यहां पर ऑलरेडी ये प्लस और माइनस में, तो मुझे साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3x 3y इज इक्वल्स टू 3 5 15, और ये तो एज इट इज रहेगी। तो ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब आप क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है, साइन भी चेंज नहीं करने, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में और ये माइनस में, तो डायरेक्टली आप इनको ऐड कर दो। ऐड करने पर ये तो हो जाएगा एलिमिनेट, मतलब के कैंसिल आउट। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 5x एंड 5x इज इक्वल्स टू व्हाट, 19। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यू विल गेट 19/5। अब आपका जो मन करे एक कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए। ऑब्वियसली देखो ये वाली इक्वेशन क्या है, ईजी है। हाँ जी, तो अब आप देखिए x की वैल्यू कितनी है, 19/5। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो y इज इक्वल टू 5 - 19/5। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो y इज इक्वल टू 25 - 19/5। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 25 में से जब हम 19 माइनस करेंगे, यू विल गेट व्हाट, 6/5। तो ये तो था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसको करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए अब देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, तो लिख देंगे टेकिंग फर्स्ट इक्वेशन, और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लें, यू विल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। अब आप चाहें तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x प्लस में उधर जाकर माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 5 - x। ठीक है, आ जाइए, अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके तो मैंने y की वैल्यू निकाली है, तो इस y की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं किसमें, सेकेंड इक्वेशन में, देन यू विल गेट व्हाट, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 तो है ही, y की वैल्यू कितनी है, ये रही, यहां पर पुट कर दीजिए, तो 2x माइनस y, व्हाट इज y, 5 - x। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट 2x माइनस 3 5 = 15 एंड 3 1 = 3, बट देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इतनी बेसिक सी बातें तो पता ही होंगी आपको। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट व्हाट, 5x, और ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट 19, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इससे पहले वाले मेथड में भी x की वैल्यू कितनी आई थी, 19/5। अब क्या करना है, सिंपली इसमें पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू ये आई है। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 - 19/5, एलसीएम लेंगे, तो वही केस आ गया जो पीछे किया है, 25 - 19, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 6, नीचे आ जाएगा 5, हो गए बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब आपने नोटिस किया होगा कि एलिमिनेशन मेथड में तो हमारा यहीं तक आंसर खत्म हो गया था, सिर्फ यहां तक लिखना पड़ा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहां तक लिखना पड़ा। इसका मतलब यह है कि एलिमिनेशन मेथड इज मोर कन्वीनियंट देन सब्स्टिट्यूशन। ये नोट कीजिए, देखते हैं इसका अगला पार्ट।
तो अब हम देखेंगे अपना सेकेंड पार्ट बाय एलिमिनेशन मैथड। तो देखिए ये रहे आपके दोनों इक्वेशंस। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपके पास फिर से दो ऑप्शन है, या तो आप x के कोफिशियंट्स को सेम कर लें। x के कोफिशियंट को सेम करने के लिए आपको 2 से ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से नीचे, तब ये दोनों 6 होंगे। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, सिर्फ एक बार। तो करो तो किसी से भी, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, बट आई थिंक ये ज्यादा ईजी है ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देन 2 2 जा बेटा क्या हो जाएगा, 4x, 2 2 जा 4y एंड 2 4 जा 8, इज दैट क्लियर। या फिर आप ये भी कर सकते थे, 2 कॉमन ले लेते, है ना, वो भी हो जाता, लेकिन हमें तो सेम ही करना है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, इसको लोगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू व्हाट, 10। अब देखिए सिंपली हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, इनको आप ऐड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7x और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 18, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, इट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 18/7, ठीक है। अब आपको जो ज़्यादा ईजी लग रही है, उसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू व्हाट, 4, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे, यू विल गेट 18/7, देखो x की वैल्यू कितनी है, 18/7 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब देखिए बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर, आप चाहो तो 2 कॉमन लेकर उधर सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्टली उधर लेकर चले जाओ और इसको उधर ले आओ, जैसा आपको ठीक लगे। देखो ये तो आ गया 32, ठीक है, एंड ओवर 7। अब ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या है, माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28/7, और यहाँ पर तो 2 है ही, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें यू विल गेट व्हाट, 4, ठीक है, 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 से ये भी कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई 2/7। तो x की वैल्यू है 18/7 एंड y की वैल्यू है 2/7, ये नोट कीजिए। अब हम इसी को करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए गाइस देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप x के कोफिशियंट को सेम कर लें। x के कोफिशियंट को कैसे सेम कर सकते हैं, अगर आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें एंड 3 से नीचे, तो ऊपर 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 यहाँ पर भी आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, y के कोफिशियंट को सेम कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 4, और जब दोनों 4 आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2। सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 2 जा 4x एंड 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 2 जा 4, ठीक है। ये तो आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे और नीचे लिख देंगे, देन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये तो हो गया बेटा कैंसिल आउट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x और यहाँ पर कितना 14, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन यू विल गेट 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए यहाँ पर, इस 2 की वैल्यू को आप इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दीजिए, चलो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 2, यहाँ पर पुट करोगे आप 2 into x, x की वैल्यू कितनी, 2 2y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आप इसको इधर लेकर जाइए और इसको इधर लेकर आइए, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये प्लस में इधर जाकर माइनस, और ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, ठीक है। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 2 और यहाँ पर भी 2, तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू आई है 2 एंड y की वैल्यू आई है 1, ठीक है, ये नोट कीजिए। इसी को हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। तो आइए अब हम करेंगे अपने सेकेंड पार्ट को बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं, देखिए पहले आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। अगर आप 2 यहाँ से कॉमन ले लें, यू विल गेट x माइनस y, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा,
उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1, ठीक है 1 आ गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको उधर लेकर जाइए, तो y प्लस 1, ये तो है x की वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन व्हाट फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देन 3x, x की वैल्यू 1 प्लस वाई, भाई x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई, 4y इज इक्वल्स टू कितना 10। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 वन ज़ा 3, 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू व्हाट 10, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 7y 10 माइनस 3। ठीक है, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो 7y इज इक्वल्स टू 7, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई 7। और आपको बहुत अच्छे से पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया है कि y की वैल्यू कितनी आई थी 7। अब आप क्या कीजिए, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी मेथड से करें, आंसर आपका सेम आता है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करती है, करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से करोगे, एग्जाम में लिख कर आता है कि आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिए, बाय एलिमिनेशन मेथड कीजिए, या फिर हम आगे और मेथड्स पढ़ने वाले हैं जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उससे भी बोल सकते हैं। तो आपकी हर एक मेथड पे कमांड होनी ज़रूरी है, लेकिन अगर लिख कर नहीं आता है तो बेटा मैं कहूँगा कि आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये नोट कीजिए, अपना थर्ड पार्ट में देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा है क्या, उन्होंने रैंडमली कहीं पर कुछ भी अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पहले सब कुछ अरेंज करना होगा तरीके से जैसे कि अभी तक हमें इक्वेशन में मिलती थी। तो अगर मैं बात करूं तो हमने ये देखा कि x प्लस वाई तो होते थे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती थी वो राइट हैंड साइड में होती थी, तो इधर प्लस माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, ये वेरिएबल को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो 9x माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू 7, एंड दैट विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन हमें जानी पहचानी सी लग रही है, क्योंकि इक्वेशन ऐसी ही फॉर्म में हमने देखी है। ठीक है, अब देखिए अगर आप, तो अब हमारे पास फिर से दो ऑप्शन, या तो हम x के कोफिशियंट सेम कर लें। तो देखिए, अगर x के कोफिशियंट को आप सेम करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट दी सेम कोफिशियंट। ठीक है, बट अगर आप y के कोफिशियंट को सेम करना चाहते हैं तो आपको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 5 से नीचे भी करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करें, किससे, 3 से इन फर्स्ट इक्वेशन। तो वही मैं करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3 3 9x एंड 3 5 15y। देखो, थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा मत करना कि सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। ठीक है, एंड 3 4 12, और ये वाली इक्वेशन तो एज इट इज, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब आप क्या करेंगे, साइन अब आपको चेंज करने पड़ेंगे, चेंज करेंगे, 9 से 9 तो कैंसिल आउट, यहाँ पर अगर आप देखें यू विल गेट माइनस 13y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 5। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखिए, यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5/3। ठीक है, इक्वेशन सही है हमारी, 3x माइनस 5y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9x, हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए इधर, अब कीजिए पुट y इन, किसी में भी पुट कर लीजिए, मुझे लगता है ये वाली ज़्यादा छोटी है तो इसमें पुट करेंगे, पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये रहा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 5/13, पुट कर दीजिए, तो 3x माइनस 5 इंटू y की वैल्यू भी माइनस 5/13। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो 3x प्लस
5 5s are 15 sorry 25 and over 13. अब ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, देन 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 13. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3x इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4s are 12 and 4 1s are 4 5 आएगा, एंड यहाँ पर कितना है 25 डिवाइडेड बाय 13. दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 and 2 27. अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 9s कितना होता है 27. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 over 13. ठीक है, तो y की वैल्यू आई है -5 over 13 एंड x की वैल्यू आई है 9 over 13. ठीक है, ये नोट कीजिए. अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आइए इसी पार्ट को हम देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अब आपको अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर हमें अरेंजमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी बिकॉज हमें एक्स एक्स की वैल्यूज़ को ऐड करना था, वाई वाई की वैल्यूज़ को ऐड करना था, कॉन्स्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था. तो वहाँ पर हमें ज़रूरी था कि एक्स के नीचे एक्स लिखें, वाई के नीचे वाई लिखें, ताकि हम ईजिली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें. बट अब ऐसा यहाँ पर नेसेसरी नहीं है. आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे, x को यहीं पर छोड़ दीजिए एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y + 7 / 9. ये रही x की वैल्यू. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन. इसकी वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. तो 3 × x और x की वैल्यू ये है, क्या है भाई, 2y + 7 / 9. ठीक है, एंड प्लस सॉरी माइनस 5y - 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. देखिए अगर आप 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे. अगर आप उसको सॉल्व करें और साथ में एलसीएम भी ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो 2y + 7, 3 5s are 15, मतलब कि -15y, -3 4s are 12 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, 3. अब देखिए ये 3 जो है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 0, ख़त्म. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को अगर आप देखें, देन यू विल गेट -13y. इन दोनों को अगर आप देखें, यू विल गेट व्हाट, -5. तो इसको उधर लेकर जाइए, इसको अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5. ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो -5 over 13. और अगर आपको याद हो तो हमने y की वैल्यू इससे पहले वाले मेथड में भी यही निकाली थी. ठीक है, अब आप क्या कीजिए, x की वैल्यू में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो 2 × y की वैल्यू कितनी है, -5 over 13 + 7 / 9. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे. इससे पहले वाला आंसर क्या आया था, इसको सॉल्व कर लोगे ना, इससे पहले वाला आंसर क्या था, कितना था आंसर, पूछो मैं आंसर चेक करता हूँ, 9 over 13. तो बेटा इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा आपका 9 over 13. ठीक है, इतना काम तो बेटा आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि अब आप 10th क्लास में हो. ठीक है, ये नोट कीजिए. अब हम करेंगे अपना लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आइए अब हम देखते हैं अपना 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दोनों इक्वेशंस फ्रैक्शन में हैं, और जिन बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्शन देखा है उनको ये पता है कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है. अब आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया हुआ, अदरवाइज आपके पास एक और भी ऑप्शन है. जो बच्चे मतलब के जिनको जल्दी समझ में आ जाता है वो एक और भी तरीका अपना सकते हैं यहाँ पर. तो देखिए अगर x के कोफिशियंट की बात करें तो यहाँ पर x तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन 2 नहीं. तो अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर x / 2 आ जाएगा.
ठीक है। दूसरा केस ये है कि y देखिए यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/3 है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी 2/3 आ जाएगा, तो ये दोनों भी कोफिशियंट सेम हो जाएंगे और ये प्लस माइनस में ऑलरेडी हैं तो ऐड करोगे ये वैसे ही कट जाएगा, आपको साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको आपको इस मैथड से करके दिखाना चाहता हूँ, जो सॉल्व करके करना चाहते हैं वो मेरी दूसरी वाली वीडियो देखिए, मैं आपको दोनों मैथड से कराना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको सॉल्व करके कराया था और यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इधर मल्टीप्लाइंग, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, सेकंड इक्वेशन बाय टू, तो जब आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यहां पर भी टू आ जाएगा, यहां पर भी टू आ जाएगा एंड यहां पर भी 2 × 3 = 6 आ जाएगा और बाकी ये आप एज इट इज रखिए। अब देखिए इधर इसको अब आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x + x/2 और इन दोनों के अगर मैं बात करूँ तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे यू विल गेट 4x + x/2 = 5, ठीक है भाई, एलसीएम ले लिया यहाँ पर। अब देखिए ऊपर आ जाएगा 5x और ये जो 2 है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं यहीं पे पुट करूँगा, ठीक है। तो x − y/3 = 3, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया। अब देखिए ये माइनस में, चलो इसको कराए देते हैं, ये माइनस में इसको धले कर जाइए और इसको धले कर आइए, ठीक है, तो क्या होगा 2 − 3, देखिए ये प्लस में इधर जाकर माइनस, तो 2 − 3 और ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इन दोनों कीजिए −1 और ये डिवाइड हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बेसिकली वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी −3, तो एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू −3, ठीक है। अब इसी को करेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आइए देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये माइनस में उधर जाकर प्लस, तो y/3 ये आ गई मेरी x की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन व्हाट, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट, इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो क्या आ जाएगा भाई x/2 + 2y/3 = −1। अच्छा देखिए इधर x की वैल्यू ये है तो आप क्या कर सकते हैं, 1/x तो लिख दीजिए अलग से और x की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए कितनी x + y/3, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट y/6 + 2/3y − 1, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, वेरिएबल वालों को अलग से सॉल्व कीजिए एंड कॉन्स्टेंट को एक तरफ, ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं, इसको धले कर जाओ और इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा y/6 + 2/3y = −1 और इसको लेकर जाओगे तो −3/2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इधर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 6 आ रहा है ना, तो आपको बेसिकली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो y + 4y और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो −2 − 3 / 2, ठीक है। अब देखिए इधर यहाँ पर आ जाएगा 5y और यहाँ पर कितना आ जाएगा −5/2 और ये 6 जो इधर डिवाइड हो रहा है ना उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा 3, ठीक है, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देखिए 3 तो बचा ही हुआ था, 5 से 5 कैंसिल आउट, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई −3, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, अब आप क्या कीजिए यहाँ पर पुट कर दीजिए −3, तो x = 3 + y/3, तो x की वैल्यू कितनी आई −3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट क्या बचेगा −1 एंड 3 − 1 = 2,
तो अब आप चेक कर सकते हो x और y की वैल्यूज वही आ रही हैं, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बाय एलिमिनेशन एज वेल एज बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये बेटा सब कुछ समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।